शूटआउट मामले में आज सुनवाई होनी है। तीनों आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाएगा। खबर यह है कि तीनों आरोपियों की रिमांड 14 दिन बढ़ सकती है। तो अतीक अश्रफ शूटआउट मामले में आरोपियों की रिमांड बढ़ सकती है, आज उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होनी है। तो अतीक और अश्रफ के शूटआउट मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तीनों आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता की करीबियों पर अब पुलिस और एसटीएफ की नजर है। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी शाइस्ता तक पहुंचने के लिए पुलिस अब उसके मददगारों को पकड़ रही है। 17 अप्रैल को शाइस्ता परवीन के प्रयागराज की मारियाडीह गांव में छुपे होने का दावा किया जा रहा था। पुलिस दबिश देती उससे पहले ही शाइस्ता एसटीएफ के डर से स्टीमर में सवार होकर नदी के रास्ते संगम पहुंच गई और फिर संगम से कार के जरिए सतना निकल गई। सतना में कुछ वक्त रुकने के बाद शाइस्ता मुंबई गई, जहां यूपी एसटीएफ की टीम लगातार ही दबिश दे रही है। साथ ही प्रयागराज से सतना जाने वाले रास्ते पर लगे सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला जा रहा है। जिस स्टीमर पर सवार होकर शाइस्ता संगम पहुंची थी, अब उसका मालिक पुलिस की रडार पर है। स्टीमर मालिक को हिरासत में लेकर पुलिस ने घंटों पूछताछ की है। साथ ही पुलिस ने स्टीमर मालिक और अतीक के परिवार से रिश्ते की भी कुंडी निकाली। इतना ही नहीं, मारियाडीह गांव निवासी गुड्डू मामा से भी अब पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गुड्डू मामा अमरूद का बड़ा व्यापारी है और अतीक अहमद का नौकर रह चुका है। माफिया अतीक अहमद की हत्या के बाद गुड्डू मामा पर शाइस्ता परवीन को शरण देने का आरोप है। अफगानिस्तान में तालिबान राज के नियमों और कानूनों को लेकर संयुक्त राष्ट्र भड़क गया। संयुक्त राष्ट्र ने वहां खुलेआम मौत की सजा देने और कोड़े मारने जैसी यातनाओं की आलोचना की और तालिबान सरकार से इस तरह की गतिविधियों पर फौरन पाबंदी लगाने की मांग की। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में तालिबान शासन आने के बाद से अब तक करीब 175 लोगों को मौत की सजा दी जा चुकी है, जिनमें 2 लोगों को खुलेआम गोलियों से भून दिया गया, जबकि चोरी और शराब पीने जैसे अपराधों के लिए पिछले 6 महीने में वहां सार्वजनिक रूप से 270 से ज्यादा आदमियों और करीब 60 महिलाओं को कोड़े मारने की सजा दी गई। इन्हीं मामलों को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने तालिबान को लताड़ लगा दी, जिस पर तालिबान ने 2 टूक जवाब देते हुए कहा कि यह अफगानिस्तान का आंतरिक मामला है। और वहां के विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया कि अफगानिस्तान के कानून इस्लामी नियमों के हिसाब से बनाए गए हैं और वहां बड़ी संख्या में लोग उन नियमों को मानते हैं। ऐसे में अगर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून और इस्लामी कानून के बीच टकराव के हालात बनते हैं तो तालिबान सरकार इस्लामी कानून का ही पालन करेगी, क्योंकि देश में सर्वोच्च अदालत और सर्वोच्च नेता की मंजूरी के बाद ही उन कानूनों को लागू किया गया है। गुजरात के अहमदाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक 3 मंजिला इमारत गिर गई। हादसा वेजलपुर इलाके में हुआ। मलबे में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर गुजरात के अहमदाबाद से, जहां पर 3 मंजिला इमारत गिर जाती है। हादसा वेजलपुर इलाके में हुआ। राहत की बात यह है कि मलबे में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। पाकिस्तान से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बैठक आज नहीं होगी। आज होने वाली बैठक को रद्द किया गया है। अब ये बड़ी बैठक 16 मई को होगी। समिति की बैठक की अध्यक्षता पाकिस्तान के पीएम